रेगुलेशन 118 का पीडीएफ डाल दिया है, अपलोड हो गया है, और भी बाकी वीडियोस में अब पीडीएफ चेक कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हमको व्हाट्सएप कर रहे थे कुछ लोग कि होरिजन माइनिंग मिस फायर फ्लेम शिफ्ट फ्लेम का वीडियो भेजिए, तो हम डिप्लेरिंग चालू करने के पहले जितने भी हम नाम बोले उनका वीडियो भेज देते, उसके बाद बोर्ड एंड प्लेयर का डिप्लेरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे मिस फायर। क्या देखेंगे? मिस फायर। मिस फायर क्या होता है? मिस फायर अंडरग्राउंड में भी होता है, मिस फायर ओपन कास्ट में भी होता है। एक ने मेरे यूट्यूब चैनल में ही कमेंट किया था कि सर ओपन कास्ट में मिस फायर का कॉजेस बताइए। ठीक है, तो टाइम मिलने पे जो कमेंट आता है उसको हम नोट कर लेते हैं और भेजते रहते हैं बीच में। तो पहले हम अंडरग्राउंड का देखेंगे, फिर ओपन कास्ट का देखेंगे। और डीलिंग विद मिस फायर तीन चार चीज आता है, व्हाट इज मिस फायर, कॉजेस और रीजन ऑफ मिस फायर, एंड हाउ विल यू डील विद द मिस फायर, ऐसे आते हैं। तो अभी हम आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। मिस फायर देखिए, नाम क्या, मिस फायर, फायर करने में क्या हो गया, मिस हो गया। तो बताइए हम जो ब्लास्टिंग करते हैं डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, समझेंगे कैसे? ब्लास्टिंग में मोटा मोटी दो चीज रहता है, एक रहता है डिटोनेटर और एक रहता है एक्सप्लोशन, यही ना जी। तो या तो डिटोनेटर ही नहीं फूटा या डिटोनेटर फूटा तो वह एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट नहीं कर पाया, तभी क्या होगा, मिस फायर, मतलब ब्लास्टिंग नहीं होना, एक होल का एक से अधिक होल का ब्लास्टिंग ही नहीं होना, उसी को बोलते हैं मिस फायर। ठीक है, फायर नहीं हुआ, फायर मतलब ब्लास्टिंग हो जाना, तो ब्लास्टिंग ही नहीं हुआ उसी को क्या बोलते हैं, मिस फायर। तो क्या डिफरेंशिएशन बोले, क्या डिफरेंशिएशन बोले, व्हेन ए डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड, व्हेन ए डिटोनेटर, डिटोनेटर पूरा लिखेगा इसको, व्हेन ए डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड, मतलब डिटोनेटर ही नहीं फूटा। ठीक है, आर आफ्टर एक्सप्लोडिंग, आर आफ्टर एक्सप्लोडिंग मतलब फूटने के बाद, डिटोनेटर तो फूटा लेकिन क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट नहीं कर पाया, आफ्टर एक्सप्लोडिंग फेल्स टू ब्लास्ट, एक्सप लिख दिया, एक्सप्लोसिव लिखेगा, एक्सप्लोसिव चार्ज, वहां दिख रहा है ना बढ़िया से। ठीक है, क्या बोला, व्हेन ए डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड, डिटोनेटर ही नहीं फूटा तो ब्लास्टिंग होगा ही नहीं, क्योंकि डिटोनेटर फूटेगा तभी आपका एक्सप्लोसिव चार्ज में शॉक वेव जाता है और उसको ब्लास्ट करता है, तो डिटोनेटर नहीं फूटा तो बाकी का होगा ही नहीं, डिटोनेटर नहीं फूटा या बोलता है आफ्टर एक्सप्लोडिंग, डिटोनेटर तो फूटा बट फेल्स टू ब्लास्ट द एक्सप्लोसिव चार्ज, फूटा लेकिन वो उसका इंटेंसिटी इतना कम था कि वो एक्सप्लोसिव चार्ज को ब्लास्ट नहीं कर पाया, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मिस फायर। अब इसके आगे लिख दीजिएगा या कमा कर दीजिएगा, इट इज ऐसा लिखिएगा, इट इज नोन एज मिस फायर, ऐसा लाइन वाइज एक के साथ सब लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर में लिखा उसके नीचे ये किया उसके नीचे कर दिया, देखने वाले को भी इजी, आप भी जब नोट्स बनाएगा पढ़िएगा तो आपको इजी रहेगा। क्या बोला है, डिटोनेटर ही नहीं फूटा या डिटोनेटर फूटा तो एक्सप्लोसिव चार्ज को ब्लास्ट नहीं कर पाया। ठीक है, और इस घटना को बोलते इट इज नोन एज मिस फायर, खत्म। अब हम देखेंगे कॉजेस और रीजन ऑफ मिसफायर, रीजंस और कॉजेस ऑफ मिसफायर इन अंडरग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट का बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां क्या हम लिखे उसको छोड़ दीजिए, वो तो बुक में भी लिखा होगा, हम जो बोल रहे हैं बता रहे हैं उसको देखिएगा। ठीक है, पहले यहां पे देखिए हम जो लिख रहे हैं, दिख रहा है वहां से, देखिए हम जब ब्लास्टिंग करते थे कौन कौन चीज रहता है, हम कौन कौन चीज का यूज करते हैं, हम डिटोनेटर किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, डिटोनेटर क्या रहता है, एक्सप्लोसिव और
शॉर्ट फायरिंग केबिल, यही तीन चीज ना रहता है जी, ठीक है, और आपका एक्सप्लोडर, ठीक है। तो डिटोनेटर, एक्सप्लोसिव और शॉर्ट फायरिंग केबिल तीन चीज हुआ। अब आपको दिमाग में रखना है कि डिटोनेटर का, आप डिटोनेटर वाले चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, हम बताए थे कि डिटोनेटर में दो लीड रहता है, तार निकला रहता है, ठीक है। डिटोनेटर लीड बोलिए, डिटोनेटर का तार बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। डिटोनेटर हुआ, एक्सप्लोसिव तो अंडरग्राउंड में कॉटेज फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ओपन कास्ट में एसएमई और एसएमएस भी इस्तेमाल करते हैं जो एक्वस फॉर्म में रहता है, और या तो फिर हम कॉटेज फॉर्म में एलडीएनपी इस्तेमाल करते हैं। और शॉर्ट फायरिंग केबिल चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, शॉर्ट फायरिंग केबिल तो रहेगा रहेगा, एक्सप्लोडर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब डिटोनेटर, अब आपको लिखना है, या कितने पॉइंट दिए, छह, ठीक है, तीन पॉइंट तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। कैसे, डिटोनेटर के ऊपर दो पॉइंट लिख दीजिए, क्या क्या हो सकता है। मिसफायर के डेफिनेशन में पहला बात बोला, व्हेन ए डिटोनेटर फेल्स टू एक्सप्लोड आर आफ्टर एक्सप्लोडिंग इट फेल्स टू ब्लास्ट द एक्सप्लोसिव चार्ज, यही ना डेफिनेशन बताए थे। तो क्या बोला, डिटोनेटर ही खराब हो, या कितना बात लिख देना है इस डिटोनेटर में, डिफेक्टिव डिटोनेटर, क्या लिख दीजिएगा, डिफेक्टिव डिटोनेटर। हो सकता डिटोनेटर जो दो तार निकलते हैं लीड, वो क्या है, ब्रोकन लीड्स, या उसके तार टूटे हुए हो। देखो दो पॉइंट हम वही लिखे हैं, डिटोनेटर देखिए दो पॉइंट निकाले, डिफेक्टिव डिटोनेटर, दूसरा क्या लिखे, ब्रोकन डिटोनेटर लीड्स, ये हुआ यहां से कंप्लीट, ऐसा रफ में बनाइएगा तब ये लिख पाइएगा, भूल जाइएगा। एक्सप्लोसिव, जो हम एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बेड क्वालिटी होना भी क्या होगा, मिसफायर का कारण बनेगा, जल ही नहीं पाएगा, शॉक दिया डिटोनेटर, फोड़ा शॉक दिया लेकिन खराब है तो फूटेगा ही नहीं कभी कभी, ठीक है, ब्लास्ट ही नहीं होगा। तो इसका एक्सप्लोसिव का क्या, बेड क्वालिटी, बेड क्वालिटी एक्सप्लोसिव। अब ये कैसे हो सकता है, इसके दो कारण रहते हैं, ड्यू टू बेड मैन्युफैक्चरिंग आर ड्यू टू डिटोरिएशन इन द ड्यूरिंग स्टोरेज। या तो हम मैगजीन में ला के रखते हैं, वहां पे कहीं पानी गिर रहा है, बढ़िया से उसका नहीं रख पाए हैं, तो स्टोरेज में भी कई बार खराब हो जाता है, या कई बार उसका क्वालिटी ही जो बन के आया वही खराब हो, मैन्युफैक्चरिंग ही उसका क्या हो, खराब हो, तो वो उसको आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। आप इतना भी कम चाहे, बेड क्वालिटी एक्सप्लोसिव ड्यू टू बेड मैन्युफैक्चरिंग आर डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तब लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब क्या बात है, शॉर्ट फायरिंग केबिल, ठीक है। अब इस शॉर्ट फायरिंग केबिल में दो तीन प्रॉब्लम आते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है शॉर्ट फायरिंग केबिल में। एक तो कभी कभी इसका शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, अंदर में तार रहते हैं केबिल के अंदर, वो एक दूसरे से सट जाते हैं, उसे शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। या ये जो शॉर्ट फायरिंग केबिल है ये डिफेक्टिव है, क्या है, डिफेक्टिव है, कैसे, टूट फूट है, या उसका जो तार है वो टूटा हुआ है। देखिए वही दो बात को हम यहां लिखे हैं, क्या लिखे, देखिए, डिफेक्टिव आर ब्रोकन शॉर्ट फायरिंग केबिल, शॉर्ट फायरिंग में कोई डिफेक्ट है या टूटा हुआ है, यह एकदम लास्ट में देखिए, शॉर्ट सर्किट ऑफ द केबिल, और शॉर्ट सर्किट डिटोनेटर लीड का भी होता है, शॉर्ट सर्किट ऑफ द केबिल और शॉर्ट सर्किट ऑफ द डिटोनेटर लीड्स। यहां पे एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट ऑफ डिटोनेटर लीड्स, तो डिटोनेटर में तीन पॉइंट तो यहीं से निकल गए छह में से, डिफेक्टिव डिटोनेटर, शॉर्ट सर्किट, सीकेटी शॉर्ट में लिखते हैं,
शॉर्ट सर्किट ऑफ डिटोनेटर लीड्स, ब्रोकन डिटोनेटर लीड्स, ये हुआ। और शॉर्ट वायरिंग केबल में डिफेक्टिव और ब्रोकन शॉर्ट वायरिंग केबल और शॉर्ट सर्किट ऑफ द केबल हुआ। और ये सब ठीक था, हम मान लिया कि जितना हमने कॉजेस बताया ये सब ठीक था, तो भी मिसफायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कनेक्शन जो हम करते हैं, पहले तो फेज में कनेक्शन करेंगे होल टू होल, वो कनेक्शन खराब है, सही तरीके से नहीं हुआ। सीरीज में करना अंडरग्राउंड में वो नहीं हुआ, कहीं छूट गया या कनेक्शन करते करते कनक होल भाई लोग छोड़ देता है, ठीक है। या फिर जो आप दो तार बाहर निकाल के लेके आते हैं फेज से डिटोनेटर लीड के और शॉर्ट वायरिंग केबल को जोड़ते हैं, वहां ठीक से नहीं जोड़ा, या फिर आपका जो शॉर्ट वायरिंग केबल और एक्सप्लोरर है उसमें कनेक्शन ठीक नहीं किया, तो वो सारा चीज को हम एक जगह लिख दिए, बेड कनेक्शंस एस लगाए, बेड कनेक्शंस। ये छह बात है आपके अंडरग्राउंड माइंस में मिसफायर होने के कारण, चाहे वो मेटल माइंस हो चाहे कोल माइंस हो, अंडरग्राउंड कोल माइंस हो या अंडरग्राउंड मेटल माइंस हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओपन कास्ट में मिसफायर के क्या क्या कॉजेस है और डीलिंग विद मिसफायर देखेंगे, ठीक है।